हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। आज हम प्लम केक बनाएंगे क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और बच्चों को प्लम केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए मैं आज आपसे प्लम केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसको कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और प्लम केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हों आप ले सकते हैं। सबसे पहले ये एक बाउल लेंगे और इसके अंदर मैं ऑरेंज जूस डाल रही हूँ क्योंकि प्लम केक बनाते टाइम ऑरेंज जूस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सॉक करने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये मैंने काजू डाल दिए हैं, थोड़े बादाम लिए हैं और थोड़े से हम ये मैंने यहाँ पर अखरोट लिया है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने किशमिश भी डाली है और ये मैंने यहाँ पे तरबूज के बीज लिए हैं, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली हैं और थोड़ी मैं यहाँ पे कटी हुई चेरी लूँगी, तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे ऑरेंज जूस हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, इतना ही लेना है कि सारे ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर डूब जाएँ। अब सारी चीज़ों को हम सॉक करने के लिए रख देंगे, तो कम से कम हम 1.5 घंटे तक तो ज़रूर रखेंगे। अगर इससे ज़्यादा आप रख सकते हैं तो 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो अभी मैं ढक्कन लगाकर इसको साइड में रख देती हूँ। ये मैंने 2/3 कप चीनी ली है और इसको हम कैरेमलाइज करेंगे, तो इसके लिए हाई फ्लेम कर देते हैं और धीरे धीरे ये अपने आप ही कैरेमलाइज होने लगेगी। इसके अंदर पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है क्योंकि पानी डालने के बाद में ये चाशनी बन जाती है जो कि हमें नहीं बनानी है, तो इसीलिए हमें फ्लेम के ऊपर ऐसे ही छोड़ देना है और ये अपने आप मेल्ट होने लगेगी। ये देखिए पहले से ये मेल्ट होने लगी है और जैसे ही सारी शुगर ये मेल्ट हो जाती है तो इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ, इसका कलर चेंज हो गया है लेकिन अभी भी ये कैरेमलाइज नहीं हुई है पूरी तरीके से, और इस बार ये अच्छे से पिघल चुकी है। और कुछ देर के लिए हम इसको और पकाते हैं। हमारे प्लम केक के अंदर इसी से कलर आएगा, हम इसके अंदर कोई कोका पाउडर नहीं डालेंगे। और जैसे ही हम थोड़ा सा और पकाते हैं तो इसके अंदर ऐसे बबल्स उठने लगेंगे और यहाँ पे आके हमें फ्लेम को या तो बंद कर देना है या कम कर देना है। अभी धीरे धीरे करके हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तो पानी की क्वांटिटी भी मैंने शुगर की जितनी ही ली है, और लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर एक साथ डाल दिया तो इसके अंदर छींटे बहुत ज़्यादा आते हैं और उसे जलने का डर रहता है, तो पानी को थोड़ा सा ध्यान से डालना है और ऐसे डालते जाएंगे और इसको हम चलाते जाएंगे। तो लीजिए सारा पानी हमने डाल दिया है, पानी डालने के बाद में हमें थोड़ा और चलाना है ताकि जो चीनी है उसकी थोड़ी सी चाशनी बनकर ये गाढ़ी हो जाए। हमने कैरेमल शुगर सिरप जो बनाया है ये बन चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी देखिए ड्राई फ्रूट्स को चेक कर लेते हैं और काफ़ी देर हो गई, 1.5 घंटा हो गया है इनको, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसके अंदर 1/4 कप मैंने दूध लिया है, तो दूध उबला हुआ है लेकिन रूम टेम्परेचर पे है, और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पे घी लिया है। आप चाहे तो कोई भी मतलब फ्लेवरलेस ऑयल ले सकते हैं। और 1 कप मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। तो जितने भी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं इनको हम छान लेंगे। और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर डालने से केक का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 2-3 मैंने लौंग ली है, थोड़ा सौंठ पाउडर लिया है, इलायची पाउडर लिया है, थोड़ी सी मैंने जायफल ली है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये डालने से प्लम केक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मार्केट से जो प्लम केक हम लेकर आते हैं उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो इससे प्लम केक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने छान लिया है और अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हल्के हल्के हाथ से एक ही साइड में चलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं। प्लम केक बनाना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है।
तो लीजिए मिक्स कर लिया है और अब कैरेमलाइज की हुई शुगर डाल देते हैं। तो ये थोड़ी सी पतली रह गई है, आप इसे थोड़ी सी गाढ़ी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद में इसके अंदर ये कलर आ जाता है और कोई भी कलर नहीं डाला हमने। और अब इसके अंदर हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो हमने सॉक करने के लिए रखे हुए थे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसके अंदर और कोई भी हमें चीज़ नहीं डालनी है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में जो बैटर तैयार होगा वो बहुत ही परफेक्ट बैटर होगा। ये एक चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है और चुटकी भर इसके अंदर हम नमक डालेंगे। तो लीजिए थोड़ा सा नमक डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना है। अब इन चीज़ों को भी हम मिक्स कर देते हैं। बेकिंग सोडा डालने के बाद में बैटर को हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, उसके बाद में जल्दी ही हमें बेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने केक टिन तैयार करके रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने बटर पेपर भी लगा रखा है। और अब इसके अंदर बैटर को हम डाल देते हैं। केक टिन आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, और मतलब ज़्यादा छोटी साइज़ में तो बिल्कुल नहीं लेना है, वरना केक जैसे ही बेक होगा वो फूलने लगेगा और बाहर की साइड में आ जाएगा, तो हमें उसके हिसाब से लेना है। और बैटर डालने के बाद में इस तरीके से टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स हों वो निकल जाएं। और दूसरी साइड में मैंने कढ़ाई को प्री हीट पर रख दिया था और इसके नीचे मैंने ये एक जाली रखी है, इसके ऊपर हम ये केक टिन को रख देते हैं और ऊपर से हम ढक्कन लगा देते हैं। तो फ्लेम को हमें लो रखना है और कम से कम इसको 45 से 50 मिनट के लिए हमें बेक होने के लिए रख देना है। केक को मैंने डेकोरेट नहीं किया है क्योंकि जैसे ही बेक होता है सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर चले जाते हैं। तो 30-35 मिनट के बाद में हम एक बार इसको खोलेंगे और जल्दी से इसको डेकोरेट कर देंगे और उसके बाद में फिर से हम ढक्कन लगाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम फिर इसको बेक करेंगे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हो, जो भी डालने हो, आप इस तरीके से इनको डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। और उससे पहले केक को बिल्कुल भी ढक्कन नहीं खोलना है क्योंकि बीच में अगर हम कई बार ढक्कन खोल लेते हैं तो बेक नहीं हो पाता है और केक हमारा बीच में से बैठ जाता है नीचे, तो बीच बीच में बार बार इसको नहीं खोलना है। तो लीजिए सारी चीज़ें डालकर हमने डेकोरेट कर दिया है और फटाफट ढक्कन लगाकर फिर से रख देते हैं। तो 10-15 मिनट हो गई हैं, अब केक को हम चेक कर लेते हैं। तो कोई भी चाकू की हेल्प से या टूथपिक से आप चेक कर सकते हैं, अगर वो साफ़ है तो केक हमारा तैयार हो गया है। अगर थोड़ा सा भी केक इसके चिपक जाता है तो केक को थोड़ा सा बेक करने की ज़रूरत और है। तो अभी चाकू से मैंने चेक किया है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। केक को थोड़ा हम ठंडा करेंगे और उसके बाद में डीमोल्ड करेंगे। तो केक ठंडा हो चुका है, अब चाकू से हम इस तरीके से डीमोल्ड कर देंगे क्योंकि गर्म केक को जब हम डीमोल्ड करते हैं तो वो टूट जाता है। तो थोड़ा सा हमें 15-20 मिनट के लिए ठंडा करना है उसे। और अब इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट केक बना है। अभी मैं आपको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से प्लेट को हम लगाएंगे और उसको पलट देंगे। तो हमें इस तरीके से इसको प्लेट में निकालना है। अगर हाथ से आप उठाकर डालेंगे तो ये टूट सकता है। और अब इसका जो मैंने बटर पेपर लगाया था वो निकाल देते हैं। ये देखिए हमारी केक में बहुत ही अच्छा कलर आया है और एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। अभी मैं दूसरी प्लेट में डाल लेती हूँ। तो इसी प्रोसेस से फिर से हम करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए ऊपर से इस तरीके से ये दिख रहा है और बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। तो चलिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो जैसा केक हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट केक बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार केक बना है। तो क्रिसमस आने वाला है, आप भी इस क्रिसमस पे प्लम केक घर पे ही बनाइए और फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।